महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। हाँ, मैं आप बिराजे, आपके नेता बोल रहे हैं। एक मिनट बशीर भाई, सर प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, थोड़ा समय दीजिएगा सर प्लीज। सर, आई डू नॉट हैव एनी क्वाम। समय देंगे जब बिल पर डिबेट होगी। नहीं सर, अगर ये एकदम सर बिंदु बिंदु पे सर, हाँ हाँ एकदम बिंदु बिंदु पे, आई डू नॉट हैव एनी क्वाम टू ओपाइन दैट दिस इज ए रिग्रेसिव लेजिस्लेशन। इट इज नथिंग बट ए टारगेटेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द minority people of our country. That I am not yielding sir. माननीय गृह मंत्री, I am not yielding sir. एक सेकंड, no, I am not yielding. ऐसे नहीं चलेगा, मेरा बात सुन लीजिए। एक मिनट अब आप बोले, मेरा बात सुन लीजिए आप जगदीश। ये बिल कहीं पर भी इस देश की, जरा सुनिए तो, एक मिनट बढ़िया, ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। मगर आप भारतीयों की चिंता कर रहे हैं सर। लेट मी फिनिश माय व्यू को कोई लेट मी फिनिश माय व्यू सर लेट मी फिनिश सर इन द ईयर 1947 द डेट 22nd जनवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड प्रेजेंटेड हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज अडॉप्टेड एंड इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑलवेज एक्ट फॉर द शेपिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आइडियल of the resolution was reflected in our constitution which was later in the year 1976 got amended and it was surmised and it was summarized into the aims and objects which I can say that we, please listen to me, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular socialist democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. In this constituent assembly 26 November 1940, sir please, please, aap disturb karoge to kahan jayenge. अरे गृहमंत्री, हमें लगता करो, ये सदन को ये बिल पर चर्चा करने का अधिकार है या नहीं है, इस पर ही चर्चा हो सकती है, इसके मेरिट पर चर्चा नहीं हो सकती है। और जहां मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, स्वराष्ट्र मंत्री जी, आप हमें रक्षा करो। आप उन्नाव बेंटी टू उन्नाव वालों के संभालने नहीं सका, उन्नाव के पीड़ितों को बचाने पर दिलाना चाहता हूं। पर इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायी क्षमता से परे है। बिल के कंटेंट पर अभी चर्चा नहीं होगी, बिल जब लेकर आऊंगा तब जो पूछेंगे सबका जवाब दूंगा। मगर जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, नियम जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, नियम पढ़ो, एक मिनट, एक सदन की, तब सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। बिल पर आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा और एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा। वॉकआउट मत कर जाना, वॉकआउट मत कर जाना। परंतु अभी मान्यवर, एक सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है, इस पर, इसके कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट बैठे, एक मिनट बोले। मेरा ये कहना है
मैं किसी सदस्य को रोक नहीं रहा। नहीं नहीं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, लेकिन सुनो मेरी बात। ये नियम प्रक्रिया आपने बनाई है, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ, मैंने भी पहले कहा था, मैं कई बार मौका देता हूं, आप बिल पर जब डिबेट होगी तो आपकी जितनी चर्चा, जितने सदस्य मानना बोलना चाहेंगे, सब सदस्यों को बोलने का मौका देंगे। इसमें आपको अधिकार है, आप इसमें मत विभाजन भी करा सकते हैं पारित होने के विधेयक पूरे स्थापित पे, तो अपना विषय संक्षिप्त में रख दें, बाकी बिल डिटेल पर रख देना। सर ये एक अमेंडमेंट है हिंदुस्तान की एक बड़ा विषय पर, तो मैं जो पढ़ रहे थे वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, वो क्या अच्छा नहीं लगता आपको? आप मैंने कह रहे थे वी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय एडॉप्ट एन एनएक्ट एंड गिव अस द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये प्रियम्बल को ठोक रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप आक्रमण कर रहे हैं। तो ये तो हमारा संसदीय नहीं सर, हमारा लोकतंत्र की ढांचा है।